इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। पीएमओ ने ये जानकारी दी है। कहा गया है कि थोड़ी देर के लिए प्रधानमंत्री का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ था। पीएमओ ने हिदायत दी है कि इस दौरान किए गए सभी ट्वीट्स को इग्नोर किया जाए। तो ये बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, थोड़ी देर के लिए हैक हुआ था ट्विटर हैंडल। ये जानकारी पीएमओ द्वारा दी गई है और साथ ही ये भी बताया है, पीएमओ ने हिदायत दी है कि इस दौरान किए गए सभी ट्वीट को इग्नोर किया जाए। पौलमी साहब मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। पौलमी, वाकई बहुत बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर अकाउंट थोड़ी देर के लिए हैक हो गया था, और क्या अपडेट है आपके पास? जी, ये बीच रात की बात है। आप जानते हैं कि ट्विटर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो अकाउंट्स उनके हैं, एक पीएमओ इंडिया हैंडल है और एक नरेंद्र मोदी हैंडल है, जहां से वो पॉलिटिकल ट्वीट्स और पर्सनल ट्वीट्स करते हैं। पीएमओ से ऑफिशियल ट्वीट्स करते हैं, सरकारी खबरों की ट्वीट्स करते हैं। नरेंद्र मोदी जो हैंडल है, ट्विटर हैंडल है, वो थोड़ी देर के लिए कॉम्प्रोमाइज हो गया था, हैक हो गया था। उससे एक ट्वीट भेजा गया था जिससे कहा गया था कि भारत सरकार ने बिटकॉइंस को लीगल करेंसी के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया है और खुद सरकार ने 500 बिटकॉइंस खरीद लिए हैं और इसे देशवासियों के बीच में बांट रही है। ये ट्वीट उस दौरान किया गया था जब इस अकाउंट को हैक किया गया था। पीएमओ इंडिया हैंडल से फिर जब अकाउंट रिस्टोर हो गया, एक ट्वीट किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हैंडल है नरेंद्र मोदी, वो थोड़ी देर के लिए हैक हो गया था, कॉम्प्रोमाइज हो गया था। इमीडिएटली ट्विटर को इसकी जानकारी दी गई थी और अकाउंट को अब सिक्योर कर लिया गया है। और उसी हैंडल से कहा गया कि इस दौरान, इस पीरियड के दौरान, अगर कोई भी ट्वीट किया गया हो, जो भी ट्वीट किया गया हो, उस ट्वीट को इग्नोर किया जाए।